गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक वेन डायग्राम, चैप्टर 5 का वेन डायग्राम कर रहे हैं। वेन डायग्राम में हम लोग देखेंगे किस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by means of diagram which are known Venn diagram। वेन डायग्राम बोला जाता है इसको। बहुत सारे सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेट जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसमें कोई सेट बना हुआ है, जैसे हमने इसकी वैल्यू ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ये एलिमेंट हैं इस यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इस तरीके से 1 से 10 दिए गए हैं। हम लोग इसको अगर डिफाइन करते हैं तो यू दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट जो हमारा है वो क्या है? 1, 2, 3 से पूरा कितने तक? 10 एलिमेंट तक। इतने एलिमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट। जो यू से हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में शो करते हैं वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। और इसमें जो सेट दिखाया गया है इज द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है। ऑफ विच जिसमें ए जो है, ए की जो वैल्यू है ए डैश में 4, 5, 6 and 8, इसमें 7 लिया एंड 8, इस तरीके से इतने जो एलिमेंट होंगे ये क्या है? सबसेट होंगे। इस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। इज अ सबसेट। ये क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक और सेट्स का एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, कि अगर इसमें और भी सबसेट्स हम लोग को और भी सबसेट्स बनाने हैं तो किस तरीके से हम लोग सबसेट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने पहले यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, यूनिवर्सल सेट यू जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने एलिमेंट हैं एक यूनिवर्सल सेट में। हमने एक सेट दे दिया, इतने एलिमेंट का हमने एक सेट बना दिया, ए ए एक सेट हो गया इतने एलिमेंट का। इसके अंदर हम कोई सेट बनाते हैं अगर ये बी, तो बी क्या होगा? जो ए के एलिमेंट हैं उसके कुछ एलिमेंट से बी सेट बना हुआ। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? यू जो है 1, 2, 3 से पूरा 10 तक is a
यूनिवर्सल सेट। यू क्या है हमारा? यूनिवर्सल सेट होगा। और इसमें ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आर सबसेट, दोनों सबसेट कहलाएंगे। ए एंड बी सबसेट कहलाएंगे। और बी, जो बी है वो सबसेट किसका है? ए का। दैट मीन्स बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। बी ए का भी सबसेट है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करके उसके वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि इसके ऑपरेशन किस तरीके से, ऑपरेशन वेन डायग्राम में सेट्स के ऑपरेशन को किस तरीके से शो किया जाता है। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, सेट्स के जो ऑपरेशन होते हैं उसको किस तरीके से वेन डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन किस तरीके से फाइंड किया जाता है और यूनियन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। लेट ए एंड बी आर बी बी एनी टू सेट्स, दोनों अभी सेट्स हैं, टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो यूनियन होगा इज द सेट, वो भी एक सेट होगा, इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of A and B, A and B के सारे एलिमेंट के, A and B के सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा, जो एक सेट बनेगा, पूरे कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। द कॉमन एलिमेंट बींग टेकन ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको केवल एक ही बार हम लोग लेंगे, जो उसके यूनियन में जो हम लोग एलिमेंट लेंगे ए और बी सेट से जो यूनियन बनाएंगे तो उसके दोनों के एलिमेंट लेना है, बट कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट होगा तो कॉमन एलिमेंट को ओनली एक बार लेना है हम लोग को, कॉमन एलिमेंट को। और द सिंबॉल, कौन से सिंबॉल को उससे इसको शो किया जाता है? द सिंबॉल यू, इस तरीके से यू के हिसाब से इस सिंबॉल से हम लोग क्या करते हैं, यूनियन को शो करते हैं। एस यूज टू डिनोट द यूनियन, यूनियन को हम लोग डिनोट करते हैं। और इसको रिटर्न किस तरीके से रिटर्न किया जाता है? एंड रिटर्न एस ए यूनियन बी, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसको राइट करते हैं, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं दो सेट्स के यूनियन को। अब ए यूनियन बी अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें कि मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एलिमेंट, और वो एलिमेंट किसका होगा? एक्स एलिमेंट होगा ए का, और एक्स एलिमेंट हो सकता है बी का, सेट ए का और सेट बी का दोनों का क्या हो सकता है, वो एलिमेंट हो सकता है। इस तरीके से यूनियन हम लोग डिफाइन करते हैं, और यूनियन से हम लोग एक सेट बनाते हैं, वो सेट हमेशा ए और बी दोनों सेट से
ग्रेटर होता है, दैट मीन्स ए और बी अपने यूनियन के सबसेट होते हैं। जो ए और बी हो सेट होगा वो यूनियन का जो सेट बनेगा उस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि यूनियंस के कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है यूनियन में। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन यूनियन। यूनियन के कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यूनियन जो होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल होता है किसके, बी यूनियन ए के। इस तरीके से कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी यूनियन के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ए यूनियन बी यूनियन सी और इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, यूनियन सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। थर्ड फाइव इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू। फाई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यूनियन का, एलिमेंट ऑफ यूनियन। यूनियन का क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग फाई के साथ यूनियन फाइंड करते हैं तो हमेशा जो सेट होगा वो सेट ही प्राप्त होगा हम लोग को। फाई के साथ यूनियन करने से वो सेट हमेशा वही सेट हम लोग को फाइव के साथ यूनियन करने से मिलेगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आइडेंपोटेंट, आइडेंपोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेंपोटेंट लॉ दैट मीन्स अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन किया जाए तो हमेशा वही सेट मिलता है, किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन किया जाए तो वही सेट मिलता है। ये लॉ जो कहलाता है वो आइडेंपोटेंट लॉ कहलाता है। और फिफ्थ जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट का जो लॉ होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट का जो लॉ होगा, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनिवर्सल सेट जो यूनिवर्सल सेट होता है यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन किया जाए तो हमेशा वो क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल में यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी भी सेट का यूनियन किया जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। सेकेंड जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, यूनियन, एंड सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेक्शंस ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट, किसी सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है और इंटरसेक्शन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन से हम लोग इसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी दो सेट है, दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स
which belong to both A and B. उन सभी एलिमेंट को हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन में, उन सभी एलिमेंट को हम लोग लेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसी को हम लोग इंटरसेक्शन के सेट में रखते हैं। सिंबॉलिकली अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली बताना चाहें, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के सिंबॉल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स जो एलिमेंट होगा ए का भी होना चाहिए एंड एक्स एलिमेंट बी का होना चाहिए। इंटरसेक्शन में एंड का यूज होता है, दैट मीन्स एक्स जो एलिमेंट होगा वो या ए का भी होगा और बी का भी होगा, जब दोनों का होगा तभी उसके इंटरसेक्शन के सेट में वो एलिमेंट होगा, ये होगा इंटरसेक्शन। अब अगर इंटरसेक्शन को हमको शो करना है, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से, दोनों को वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन और यूनियन को शो करते हैं, वेन डायग्राम से के द्वारा यूनियन जो होता है, यूनियन को वेन डायग्राम के द्वारा अगर यूनियन को शो करना है तो हम लोग कौन से पार्ट को यूनियन बोलते हैं ये हम लोग देखते हैं। ये एक सेट है, सेकंड सेट ये है ए एंड बी, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहां से जो ये पूरा सेट होगा, ये पूरा सेट जो होगा वो पूरा सेट क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है दो सेट का, ये पूरा सेट कहलाता है ए यूनियन बी कहलाएगा, ये जो पूरा सेट होगा पूरा सेट ए यूनियन बी कहलाता है। और इंटरसेक्शन अगर हम लोग बोले वेन डायग्राम के द्वारा, इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को कैसे शो किया जाता है, ये एक सेट है, सेकंड सेट ये है ए और ये सेट क्या है बी, सेट ए एंड सेट बी। तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट होगा यहां से और यहां से, ये जो कॉमन एलिमेंट होगा यही कॉमन एलिमेंट ही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से वेन डायग्राम में कॉमन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें पूरे जो सेट होते हैं, दोनों सेट जो मिलके बनता है वो क्या होता है, ए यूनियन बी। वेन डायग्राम में इस तरीके से इंटरसेक्शन और यूनियन को शो किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरसेक्शन कौन कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या कौन कौन से प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में लागू होते हैं। सम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कौन कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन भी सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमेशा दोनों क्या होता है इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या होते हैं इक्वल होता है। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ अभी इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, फाई इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स ए के साथ अगर फाई का इंटरसेक्शन किया जाता है, फाई इंटरसेक्शन ए किया जाता है तो वो हमेशा क्या मिलता है हमको, फाई मिलता है। और अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाता है तो हमेशा वो सेट फाइंड होता है, हमेशा हमें क्या मिलता है सेट फाइंड होता है क्योंकि उसे कॉमन एलिमेंट सेट में लेंगे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आइडेंपोटेंट, आइडेंपोटेंट लॉ,
आइजेंपोटेंस लॉ ए इंटरसेक्शन ए करने से हमें क्या मिलता है, ए मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइजेंपोटेंस लॉ। इस तरीके से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जो इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। अब किसी दो सेट्स का डिफरेंस किस तरीके से शो किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स के डिफरेंस को किस तरीके से शो किया जाता है, सेट्स का जो डिफरेंस होता है ए माइनस बी या बी माइनस ए किस तरीके से फाइंड किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज इन दिस ऑर्डर इज जो सेट बनेगा वो किस तरीके से होगा, द सेट ऑफ एलिमेंट एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू ए व्हिच बिलोंग टू ए, ए में बिलोंग करेगा जो ए माइनस बी होगा उसमें ए में बिलोंग करेगा कोई सेट, बट नॉट बिलोंग टू टू बी, बट बी में वो एलिमेंट क्या होगा बिलोंग नहीं करेगा, तब वहां से ए माइनस बी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। सिंबॉलिकली अगर हम लोग देखते हैं, सिंबॉलिकली दैट मीन्स इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ए माइनस बी एंड रीड, इसको रीड किस तरीके से करते हैं, ए माइनस बी ए माइनस बी इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। अगर हम लोग ए माइनस बी बताना चाहें, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ए माइनस बी फाइंड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ए माइनस बी में कंफ्यूजन रहता है कि ए माइनस बी दो सेट का डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाए, तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ए जो सेट है वो हम लोग क्या ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से ए सेट है, और बी जो सेट है थ्री फोर एट नाइन। तो जब हम लोग a माइनस बी फाइंड करेंगे तो a माइनस बी का मीनिंग ये है, a माइनस बी फाइंड करने के लिए a से b के सारे एलिमेंट को एलिमिनेट कर देना, दैट मीन्स a में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट b में भी हो तो उस एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो a माइनस बी किस तरीके से फाइंड होगा, a सेट वन, वन इसमें नहीं है दैट मीन्स वन एलिमेंट होगा, टू भी होगा, थ्री इस सेट में एलिमेंट है तो थ्री को रिमूव कर देना है, फोर भी इस सेट में है फोर रिमूव, फाइव एंड सिक्स, इस तरीके से ए माइनस बी हम लोग फाइंड कर पाएंगे, फाइव और ये सिक्स, ए माइनस बी इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।